जिस तरह से हम जानते हैं कि इस मुल्क में जब से आरएसएस की सोच वाली, मनुवाद की सोच वाली सरकार सत्ता में आई है, उन्होंने इस संविधान को खोखला करने के लिए संविधान के अंदर के अमेंडमेंट का फ़ायदा उठाकर और अपनी मेजॉरिटी के बल पर जो पार्लियामेंट में ईवीएम में मैनेजमेंट करके और लोगों को भूल थाप देकर जो सरकार सत्ता में आई है, वो इसका फ़ायदा उठाते हुए संविधान विरोधी कानून लाने का काम कर रही है। अदालतें और संवैधानिक संस्थाओं को अपने चुंगुल में लिया है। जब कोई भी कोर्ट का जजमेंट आता है, वो संविधान के बाहर रहते हुए भी वो जजमेंट आने के बाद वही जज को राज्यसभा में मेंबर बनाया जाता है। इस तरह से उन्होंने संविधान को खोखला करने का काम किया है। हम जानते हैं कि मजदूरों के खिलाफ कानून बन रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ कानून बन रहे हैं, किसानों के खिलाफ कानून बन रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ कानून बन रहे हैं। इस मुल्क में एक शोषण व्यवस्था को, मनुवाद को जिंदा करने का काम हो रहा है। इसके खिलाफ में कल तक हमने देखा कि मजदूर लड़ रहा है, महिलाएं लड़ रही है, और उसी तरह मुसलमान लड़ रहा है, और आज हम देख रहे हैं कि किसान लड़ रहा है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे सीए के खिलाफ में मुसलमानों ने एक दिन का शाहीन बाग लगाकर उस संविधान विरोधी कानून का विरोध किया था, आज भी संविधान के खिलाफ में किसानों को शोषण करने वाला, किसानों की जमीनें हड़पने वाला जो काला कानून यहाँ पे सरकार ने लाए हैं, उन तीनों काले कानून के खिलाफ में एक दिन का शाहीन बाग की तर्ज पे किसान बाग इस महाराष्ट्र के अंदर माननीय बाला साहब अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हुए तमाम मुस्लिम समाज को, मुस्लिम कार्यकर्ता नेताओं के माध्यम से, मुस्लिम संगठनों के माध्यम से एक दिन का ये प्लेटफॉर्म मुहैया कराकर ये संदेश इस देश को हम देते हैं, इस देश का मुसलमान जैसे सीए के खिलाफ खड़ा था, उसी तरह किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ भी बड़ी ताकत से खड़ा हुआ है। अरे हमारी शहरियत, हमारी नागरिकता छीनने के लिए सीए कानून लाया था, और आप जो खुशहाल भी किसान होगा मुठ भर, उस किसान की जमीनें छीनने के लिए, अडानी अंबानी को बेचने के लिए ये काले कानून लाए हैं। चाहे मामला शहरियत छीनने का हो या किसानों की खेती छीनने का हो, इस मुल्क का मुसलमान हमेशा दस्तूर को बचाने, मुल्क को बचाने के लिए रास्तों पे उतरा था, उतरा है, और इस मुल्क को बचा कर रहेगा। यही संदेश आज हम देना चाहते हैं।